19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हो रहा है। मैं उस शिलान्यास समारोह के लिए मैं आदरणीय राजनाथ जी को, भारत के रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है, मैंने उनको आमंत्रित किया है और उनसे आग्रह किया है कि भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि अवतार श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह जो हो रहा है उसमें वो पधारे। आज की मुलाकात का और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको ना देखा जाए। श्री कल्कि पीठाधीश्वर होने के नाते मैं श्री कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए उन्हें आमंत्रित करने आया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया है, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है और हम लोग चाहते हैं, देश के करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले चाहते हैं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के मंदिर का काम किया है और उसका भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, उसी तरह श्री कल्कि भगवान के धाम का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है और आज मैं रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। देखिए, दुनिया में भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिस पर सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर भरोसा भी रखना चाहिए और न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। भारत में रहने वाले अगर किसी व्यक्ति को भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अगर अदालत कहती है वो मंदिर है और वहाँ पूजा पाठ का आदेश देती है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ये बहुत ओछी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सारी दुनिया का इतिहास गवाह है कि मुगलिया सल्तनत में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और मंदिर तोड़ना गुनाह है।